स्टूडेंट यूट्यूब के इस वीडियो लेक्चर पर आज हम बात करेंगे स्कॉच योक मैकेनिज्म और ओल्डहम कपलिंग के बारे में। इट इज़ द इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको इन डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म जो है उसका एक पहला इन्वर्जन बताया, जिसको हम बोल रहे हैं इलिप्टिकल टर्मिनल, है ना, जिसका यूज़ कहाँ करते हैं हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में इलिप्स को ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये क्या होता है इसको समझते हैं। सबसे पहले दिस मैकेनिज्म इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग रोटरी मोशन इनटू अ रेसिप्रोकेटिंग मोशन। ये जो है रोटरी टू रेसिप्रोकेटिंग मोशन कन्वर्ट करता है। ठीक है, रोटरी होगा आपका इनपुट और रेसिप्रोकेटिंग होगा आउटपुट। ठीक है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। रोटरी मतलब ये, ठीक है, इसका फंक्शन कैसे होता है इसको हम समझते हैं। द मैकेनिज्म इज ऑप्टेन बाय फिक्सिंग, ये जो मैकेनिज्म होगा ये इज ऑप्टेन बाय फिक्सिंग वन एंड टू लिंक। ठीक है, लिंक वन और टू, जिसे हम बोल रहे हैं स्लाइडर। जब हम स्लाइडर को फिक्स करेंगे तब ये मैकेनिज्म हमें मिलेगा। अब ये काम कैसे करता है, जनरली इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम, जैसे कि इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर इसका यूज़ कर सकते हो। कैसे समझने, इसके वर्किंग को हम समझते हैं। ये पूरा जो है ये कैमशाफ्ट लगा हुआ है पूरा। ठीक है, उसके बाद इस पे एक बीच में लिंक फिक्स है, ये फिक्स लिंक है। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट लगा हुआ है, ये पॉइंट, ये जो पूरी लिंक है यहाँ पर, जो मैंने इसको इस टाइप से डेड्रेस कर रखा है ब्लैक कलर से, ये पूरी जो लिंक है ये पूरी एक वन लिंक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये स्लाइडर लगे हुए हैं दो। होगा क्या, ये इसका सपोर्ट है। ठीक है, होगा क्या, ये जो एलिमेंट्स है ये पूरा, जब ये इस आपको व्हील, जो व्हील है इसके, इसको इनपुट दोगे आप तो ये घूमेगा। व्हील घूमने के बाद क्या करेगा, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट ऊपर नीचे जाएगा इस हिसाब से। तो ये ऊपर नीचे जाएगा तो ऐसे घूमेगा, ये पॉइंट यहाँ आएगा ऐसे घूमेगा, तो ये इसको स्लाइड करेगा, मतलब रोटरी टू रेसिप्रोकेटिंग मोशन आपको देगा। जब मैं इसको रोटरी मोशन दूंगा तो ये आपको रेसिप्रोकेटिंग मोशन प्रोवाइड करेगा। अब इस रेसिप्रोकेटिंग मोशन को आप कहाँ यूज़ कर लो, जैसे कि इंटरनल कंबशन इंजन के साथ जोड़ दो, जैसे कि पिस्टन एंड सिलेंडर के साथ, तो वहाँ पर ये वर्क करेगा और आपको एनर्जी डेवलप करेगा। ठीक है, तो इसका यूज़ कैसे करते हैं, मैं इसका एक जनरली आपको एक वीडियो से दिखा देता हूँ छोटा सा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये वही मैकेनिज्म है स्कॉच योक मैकेनिज्म, किसी साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया, जिसमें ये देख रहे होंगे आप, ये पूरी एक लिंक है जो कि स्लाइड कर रही है, ये सर्कल जो है ये घूम रहा है आपका और इस लिंक पे ये फिक्स है। तो ठीक है, तो ये क्या है आपका, डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। डबल स्लाइडर मतलब दो स्लाइडर बने हुए हैं, दो स्लाइडर यहाँ पे बने हुए हैं, उसमें स्लाइड कर रहा है और उसके बाद घूम भी रहा है ना, एक पूरा इस फिक्स लिंक पे घूम रहा है, ये जो फिक्स लिंक है एक इस पे घूम रहा है और उसके बाद दूसरा ये यहाँ पे घूम रहा है। दो रोटरी मोशन है और दो स्लाइडिंग मोशन है। तो इट इज़ कॉल्ड एज स्कॉच योक मैकेनिज्म, जो कि इंटरनल कंबशन इंजन में भी इसका अटैचमेंट करके इस मोशन को यूज़ कर सकते हैं। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा, एक बेसिक है, बस आपको ये मालूम होना चाहिए इसका यूज़ कहाँ करते हैं, इसके अंदर क्या फिक्स करते हैं, उसके बाद ये कौन सा मोशन देता है। जैसे आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा स्कॉच योक मैकेनिज्म विल प्रोवाइड दिस टाइप्स ऑफ मोशन, तो ये क्या करेगा, रोटरी टू रेसिप्रोकेटिंग मोशन प्रोवाइड करेगा। और ये है क्या, ये इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लेगा। अब ओल्डहम कपलिंग के बारे में हम बात करें तो ये क्या होता है, ओल्डहम कपलिंग का यूज़ कहाँ करते हैं और इस चीज़ को समझते हैं। यूज़ फॉर कनेक्शन टू पैरेलल शाफ्ट, दो पैरेलल शाफ्ट, ये जो दो शाफ्ट हैं, ये भी एक शाफ्ट है और ये एक, जो दो शाफ्ट जो पैरेलल शाफ्ट हैं, अगर दो ऐसी पैरेलल शाफ्ट हैं जिन पे अगर आप ये जो है ड्राइविंग शाफ्ट को अटैच करोगे, ये ड्राइविंग शाफ्ट और एक ये ड्राइविंग शाफ्ट, तो इन दोनों का जो अलाइनमेंट है वो सेम नहीं है, मतलब एक जैसा अलाइनमेंट नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, ये दोनों अलाइनमेंट सेम नहीं है, तो इनको आपको सेम करने के लिए बीच में एक इंटरमीडिएट शाफ्ट या बीच में एक इंटरमीडिएट लिंक लगाओगे, जिससे कि जब ये मोशन करेंगे तो ये मोशन करते समय क्या करेंगे, ये एक प्रॉपर पर्टिकुलर मोशन आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि अलाइनमेंट इनका प्रॉपर नहीं है। ठीक है, तो इसका यूज़ जनरली, इसका यूज़ भी हम ऐसे व्हीकल्स में करते हैं जहाँ पर मिस अलाइनमेंट्स जनरली यूज़ होता है ना, तो इसको पहले लिख लेते हैं। इट इज़ यूज्ड टू कनेक्टेड अ टू शाफ्ट विच आर हैविंग मिस अलाइनमेंट। ठीक है, जहाँ पर मिस अलाइनमेंट होता है वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। मैं एक बार इसको आपको दिखा देता हूँ, इसके फंक्शन को किस हिसाब से होता है, देख रहे होगे आप यहाँ पर,
ये बीच में इंटरमीडिएट साप लगी है, ये स्लाइडिंग लगे हुए, एक स्लाइडर इधर एक स्लाइडर इधर, ये जब ऐसे जाएगा तो उधर स्लाइड करके आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो उधर स्लाइड, ये एक साफ्ट ये साफ्ट, तो दोनों जो है ये एक ही साफ्ट एक ही एक्सेस पे नहीं है, अलग अलग एक्सेस पे हैं ये साफ्ट, है ना। तो इसको हम बोलते हैं क्या, ओल्ड होम कपलिंग। ओल्ड होम कपलिंग का जैसे कि यहाँ पे भी देख सकते हो आप, ये इस हिसाब से अरेंजमेंट रहता है, एक साफ्ट ही है एक साफ्ट ही है, और ये बीच में इंटरमीडिएट साफ्ट लगा रखा है ताकि ये जो है इस यहाँ पे यहाँ का मोशन यहाँ पे ट्रांसमिट कर सके, मतलब इनपुट हमने इसको माना तो आउटपुट आपको यहाँ पे मिल सके। तो ये किसके लिए होता है, जब दोनों का अलाइनमेंट सेम नहीं है, दोनों के साफ्ट का जो एक्सेस है वो सेम नहीं है, तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। तो इस टाइप का मैकेनिज्म भी होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। ये भी फोर बार चैन मैकेनिज्म है, जैसे कि मैंने फोर लिंक इसमें यहाँ बता रखी है, ये दो पैरेलल साफ्ट हैं, ये सपोर्टिंग, दूसरा इनको फ्लेंज बोलते हैं जनरली, ये फ्लेंज बन, ठीक है, या डिस्क भी इनको बोला जाता है, फ्लेंज या डिस्क, ये फ्लेंज बन, फ्लेंज टू, ये ड्राइविंग साफ्ट है, ठीक है, और बीच में इंटरमीडिएट साफ्ट है, तो ये चार लिंक हैं इसके अंदर, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ फोर बार चैन मैकेनिज्म, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा, जिसके अंदर मैंने आज आपको स्कॉच योक मैकेनिज्म के बारे में बात किया और यहाँ पर ओल्ड होम कपलिंग के बारे में बात किया। यहाँ पे क्या होगा, रोटरी टू रोटरी मोशन ही हमें मिलेगा, यहाँ पर अगर आप रोटरी दोगे तो दूसरी तरफ भी आपको रोटरी मिलेगा, मतलब ये अगर ड्रिवन माना तो ये ड्राइविंग। तो इसका काम जनरली कहाँ होता है, ऐसी साफ्ट जहाँ पर दोनों का अलाइनमेंट नहीं है प्रॉपर, ऊपर नीचे है, ये इस टाइप से, तो आप क्या करोगे, एक ऐसा एलिमेंट लगाओगे कि वो इसका मोशन यहाँ पे ट्रांसमिट कर सके इस हिसाब से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम ओल्ड होम कपलिंग। पूछा जाता है कि ओल्ड होम कपलिंग का यूज़ कहाँ करते हैं, तो इट इज़ यूज टू कनेक्ट टू साफ्ट विच हैव मिस अलाइनमेंट, ठीक है। तो होप आपको ये सभी वीडियो लेक्चर समझ में आ गए होंगे फर्स्ट यूनिट के। अब हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, सेकंड यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिससे कि गेट के अंदर कम से कम दो नंबर का क्वेश्चन एक आता ही है एवरी ईयर, तो उसको भी हम समझेंगे और उसके अंदर हम एक्सीलेशन और वेलोसिटी डायग्राम को अच्छे से बनाना सीखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ऐसे बच्चे जो कि कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, मैं आपको इतना डाटा प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सभी डाटा जो है ये कोचिंग्स का ही है और बुक्स का है और मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड चीज़ों से मिला के मैंने सभी चीज़ें बनाए गए हैं। अगर इनमें कुछ चीज़ें गलती होती हैं तो आप करेक्ट कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर जब बनाता हूँ वीडियो तो थोड़ा सा कुछ चीज़ें होती हैं कि जो नहीं समझ पाते, नहीं कर पाता ड्रॉ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो कि होगा यूनिट सेकेंड के ऊपर।